हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में। आज मैं आपको ब्लाउज से बचे हुए पीस का इस तरीके से रियूज़ बताऊंगी जो हर दिन काम आएगा। छोटा है लेकिन बहुत ही काम का आइडिया है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने इस तरीके से दो पीस लिए हैं, बीच में फॉर्म रखा है, नीचे लाइन है, ऊपर मेन फैब्रिक रखते हुए यहाँ पर इसके क्विल्ट कर लिया है। यहाँ पर इसका मेजरमेंट देख सकते हैं, यहाँ से है ये 8.5 इंच और यहाँ से है इस तरफ से ये है 6.5 इंच के। दो पीस मैंने रेडी कर लिए हैं। अब इसी के मेज़रमेंट का हमें जिप लेनी है। यहाँ पर इसको मैंने एक बेल्ट लिया है, 8 इंच का एक बेल्ट स्ट्रिप रेडी कर ली है। अब देखिए इस तरीके से जहाँ से इसकी बॉर्डर है वहाँ पर हमें जिप को अटैच करना है। जिप को उल्टा रखना है मेन फेब्रिक के ऊपर और यहाँ पर सिलाई कर लेनी है। इस तरीके से आपके पास जो भी बचा हुआ कपड़ा है उसका इस्तेमाल करके बहुत ही सुंदर पर्स बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर सिलाई कर ली है। अब जिप को अंदर दबाते हुए यहाँ पर भी हमें सिलाई लगानी है और दूसरे पार्ट को इस तरीके से हमें जिप के ऊपर उल्टा रखते हुए यहाँ पर भी सिलाई कर लेनी है। आपके पास जो भी छोटी मोटी कतरन पड़ी है उसका इस्तेमाल करके इस तरीके से छोटा सा सुंदर सा पर्स बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने दोनों तरफ प्रेस्टिज कर ली है। अब जो हमने स्ट्रिप रेडी कर ली थी उसे जिप के नीचे हमें इसे अटैच करना है। यहाँ पर देखिए थोड़ा 1/2 इंच इतना गैप देकर यहाँ पर हमें जिप को अटैच करना है और दूसरे कपड़े को रखते हुए इसके हमें तीनों तरफ से सिलाई करके लेना है। यहाँ पर देखिए इस तरीके से यहाँ पर देखिए मैंने सिलाई कर ली है। अब इसे साइड से जो भी रफ पैचेस है इसे पाइपिंग से हमें फिनिश करना है। इसके लिए मैंने 1.5 इंच की स्ट्रिप कट कर ली है। अभी इसको यहाँ पर रखते हुए इसे सिलाई करके इसे बीच में डबल फोल्ड करते हुए यहाँ पर इसे पाइपिंग कर लेनी है ताकि इसके रफ पैचेस भी फिनिश हो जाए और दिखने में भी अच्छा हो। इस तरीके से आप छोटा सा पर्स बनाकर सेल भी कर सकते हैं। जब भी आप कपड़े सिलाने जाते हैं टेलर के पास तो इस तरीके से बची हुई कतरन लेकर आ सकते हैं। उसका बहुत ही सुंदर उपयोग होता है। घर के लिए छोटे मोटे हम चीज़ें बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने रफ पैच उसको फिनिश कर लिया है। अब हमें जिप की तरफ से इसे ओपन करना है और इसके कॉर्नर अच्छे से निकालने हैं। इस तरीके से देखिए यहाँ पर हमारा छोटा सा पर्स बनकर तैयार हो चुका है। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ भी सामान रखने के लिए, छोटी मोटी चीज़ें ऑर्गेनाइज करने के लिए। देखिए यहाँ आप इसमें मोबाइल भी रख सकते हैं, बाहर कुछ भी सिलाई से चीज़ें हैं तो वो भी रख सकते हैं। देखिए ट्रैवलिंग में जा रहे तो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए दिखने में बहुत सुंदर लग रहा है। इस तरीके से आप बना के सेल भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए इसका बहुत ही अच्छा लुक आया और पीस भी बहुत है यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरीके से वेस्ट कपड़े से हमने इतना सुंदर पर्स बनाया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।